हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर विंडोज 7, 10 या फिर 11 के अंदर आप गूगल प्ले स्टोर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। तो मैं ऐसे गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका पीसी एक इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हो, और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर हमारे गूगल क्रोम को ओपन होने के बाद आप यहाँ पर इन ऐप्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, या फिर आपको यहाँ पर न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्ले स्टोर। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर प्ले स्टोर सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर सर्च करने के बाद आपके पास गूगल प्ले स्टोर की यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो या फिर इस वेबसाइट पर, तो हमारे सामने यहाँ पर ऐसा कुछ पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ऐसा कुछ पेज यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी प्रोसेस पहले कंप्लीट होने देते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेज यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर लोडिंग हो चुका है। तो उसके बाद इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर मोर टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, और मोर टूल्स पर जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इस चेकबुक को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मैं ऐसे अपने गूगल क्रोम को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसको फुल मैक्सिमाइज कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीसी के अंदर यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर सक्सेसफुल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर गूगल प्ले स्टोर को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या ही फ़ायदा है इसको इंस्टॉल करके, क्योंकि आप इससे कोई एंड्रॉयड ऐप्स तो चला ही नहीं सकते। तो अगर आप रियल में अगर आप एंड्रॉयड ऐप्स को अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर चलाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट 4 स्टेप बताए हैं जिनसे आप आराम से अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स को आराम से चला सकते हैं। सो यू कैन चेक दिस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।